हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। और मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए आपका इंतजार हुआ खत्म। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि कह लीजिए कि पहले टॉपिक नाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके सामने लिखा हुआ है नाउन। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट एज। ओके, तो हमने ये जाना कि एक नाउन एक शब्द होता है विच इज यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, जिसे एक पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसी स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक एक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसी क्वालिटी को ये वर्ड शो करता है, और साथ ही साथ किसी अवस्था को या स्टेट को ये शो करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस तरह से नाउन को नेम ऑफ पर्सन कहा जाता है। इसमें दिनेश और मुकेश के नाम मैंने यहां लिखे हुए हैं, तो ये नेम ऑफ पर्सन्स हैं, और नेम ऑफ पर्सन्स को नाउन कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज किए जाएंगे। नाउ वी विल सी कि नेम ऑफ प्लेस को नाउन कहा जाता है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, शिमला, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेम ऑफ एक्शन। किसी एक्शन के बारे में हमें नाउन बताता है, तो इसमें आ गया चॉइस वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं नेम ऑफ थिंग। किसी भी वस्तु को, चाहे ये मार्कर ही ले लीजिए, चाहे हम इस मार्कर की बात करें, ये एक थिंग है। इसी तरह से बैग, टेबल, बुक, ये भी क्या है, ये सारी वस्तुएं हैं और इनको भी नाउन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेम ऑफ क्वालिटी। When we talk about the quality of a person, at that time, that quality is also a noun. अब यहां देखिए honesty, truth, silence, ये क्या है, ये qualities हैं। तो इन qualities को जो words represent करते हैं, उन words को क्या कहा जाएगा, noun कहा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं name of situation और state की अवस्था। ठीक है, स्लीप, डेथ, ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये स्टेट हैं कि कोई भी पर्सन किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, तो इसको ये वर्ड्स दर्शाते हैं और ये क्या है, ये नाउन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो नाउन के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए अब हम देखते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में, इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार हैं। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के पांच प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है ये जानते हैं, द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। कॉमन नाउन, अ कॉमन नेम शेयर्ड बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास। कोलेक्टिव नाउन, अ नेम गिवन टू द नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। जब हम किसी
एक ही टाइप की वस्तुओं की कलेक्शन की बात करते हैं और बहुत सारी उसी टाइप की चीजें इकट्ठी होती हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. अ नेम गिवन टू द नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, टेकन टूगेदर. सो नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ऐसा शब्द जो दर्शाता हो कि वह वस्तु किस सब्सटेंस से बनी है. यानी कि यहां पर हाईलाइट किसे का किया जाता है? हाईलाइट किया जाता है सब्सटेंस को जिससे कि वस्तुएं बनी हैं. द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी. इस कैटेगरी को किसमें इंक्लूड किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि नाउन के कितने काइंड्स हैं, नाउन होता क्या है, नाउन किस तरह की स्टेट्स को दर्शाता है, नाउन क्वालिटी को दर्शाता है, या नाउन किसी वस्तु को दर्शाता है, किसी वस्तु विशेष को दर्शाता है, ये सब आपने इसमें देखा. और हमने ये भी जाना कि नाउन के जो काइंड्स हैं वो पांच होते हैं. नंबर वन इज प्रॉपर नाउन, नंबर टू इज कॉमन नाउन, नंबर थ्री इज कलेक्टिव नाउन, नंबर फोर इज मटेरियल नाउन, एंड नंबर फाइव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स बनते हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स बनते हैं, कलेक्टिव नाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, मटेरियल नाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है. तो जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल इजी इंग्लिश में.